के लिए हम सबसे पहले मैदा लेंगे, लेने के बाद थोड़ा सा नमक डाल, फिर एक चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने के बाद पानी डाल के हम घोल बनाकर तैयार कर दिया। अब स्टफिंग की रेसिपी करते हैं। स्टफिंग के लिए मैंने क्या क्या लिया है, चिली लिया है, जिंजर लिया है, कैरोट, कैप्सिकम एंड कैबेज। अपने अकॉर्डिंग आप कोई भी वेजिटेबल यूज कर सकते हैं। जिंजर और चिली डाल के हमने थोड़ा सा तला, कैबेज डालेंगे, कैप्सिकम डालेंगे, कैरोट डालेंगे, इसको थोड़ा सा फ्राई कर, सॉल्ट, विनेगर का पानी, सोया सॉस, चिली सॉस, टमाटर सॉस। ब्लैक पेपर मेरे पास नहीं है तो मैंने उसको नहीं डाला। हो गया हमारा स्टफिंग के लिए तैयार। अब हम इसका फाइव बॉल्स बना लेंगे। फाइव बॉल्स बना के अभी हम इसे थोड़ा सा बेल, पाचो लोई को ऐसे बेल के हम इसमें तेल लगाएंगे। हमें आटा डाल दो तेल लगाने के बाद। दूसरी चपाती को रखेंगे, फिर उसके ऊपर ऑयल लगाएंगे, वापस डालेंगे पूरे लोई के साथ करने का। फिर इसको अभी बेल ले बड़ा सा। ये देखिए किस तरह से मैंने बेल लिया अच्छी तरह से। अब इसको उठा के हम तवे पे रखेंगे। कलर चेंज होने तक हमें इसे सेकना है, बबल्स नहीं आने देना है, थोड़ा सा ही सेक। किस तरह से हल्का सा सेका हुआ है वैसे ही सेकना है। ये अभी रेडी हो गया है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन निकालेंगे। स्लोली स्लोली निकालिएगा आप। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल फर्स्ट लेयर निकला है। थोड़ा सा फट गया, मैंने देखा नहीं, लेकिन बहुत ही ब्यूटीफुल। अजवाइन चटनी भी बना रही हूँ लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है, तो अगर आपको चाहिए रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पांचों लेयर निकल गए। अब सबसे पहले हम इसको कैसे रोल करेंगे, इसको हम किस तरह से रखेंगे, स्टफिंग करेंगे। थोड़ा सा ही डालना, गरम करने के लिए रख दिया है मैंने, और ये अपना रोल तैयार कर लिया है। इसी तरह से सारे रोल में तैयार कर दे रही हूँ। फाइनली फर्स्ट रोल में डाल रही हूँ, देखिए कैसा रिजल्ट आता है। मैंने फर्स्ट टाइम बनाया है तो फाइनली मेरे दो रोल रेडी हो गए हैं। मेरा स्प्रिंग रोल तैयार हो गया।